उन कवीश्वरों सृष्टिकर्ताओं नूतन काल एवं समाज की रचना करने वालों की जय हो, जो अपनी सुंदर कृतियों के नाते पुण्य के वातावरण का निर्माण करते हुए अनंत काल तक स्मरणीय बने रहेंगे, जिनकी यशः काया को न तो वृद्धावस्था छू सकती है, न ही मरण से उत्पन्न होने वाला भय ही प्रभावित कर सकता है। ऐसी जीवात्माएं कालजयी होती हैं। श्रद्धेया गुरु माता ने जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नया शरीर धारण कर लिया है, वैसे नया शरीर धारण किया जाता है, वैसे ही शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के आद्य साधन शरीर का विसर्जन कर दिया और अनंत ज्योति स्वरूप आत्मदशा को धारण किया है। उनका मरण नहीं हुआ, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोयम् न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पुण्यशीला माताजी आत्मस्वरूप थी, सांसारिक लीला करने के लिए और विश्व को धर्म का दिव्य संदेश देने के लिए शरीर की सत्ता को धारण करने के बाद भी आत्म तत्व में विलीन हो गई। आत्मा का न तो जन्म होता है, न ही मरण होता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अछेद्योयम् अभेद्योयम्। आत्मा अछेद्य है और अभेद्य भी। सनातन परमात्मा का स्वरूप है, उसी सनातन ज्योतिमयी परम पावन आत्मस्वरूपा श्रद्धेया गुरु माता के प्रति श्रद्धा भावों की अंजलि समर्पित करने हेतु हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। यह तिथि हम सबके लिए प्रेरक वरदान है, जीवन का पाथेय है, मन की ऊर्जा है, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए पावन चिति अर्थात चेतना का मूलाधार भी है। जो भी सत्यपथी अध्यात्म पथिक यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सभी का अभिवादन करते हुए मैं श्रद्धांजलि सभा को आरंभ करने की अनुमति चाहते हूँ। हमारे बीच में प्रभु प्रेमी संघ के ट्रस्टी, हम सबके बहुत अनन्य आदरणीय श्री प्रवीण जी चौधरी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और समस्त प्रभु प्रेमी संघ की ओर से अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करें। प्रभु प्रेमियों, जैसा कि आप सबको विदित है, पूजनीय माता श्रीमती रुक्मिणी देवी जी को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए देश के कोने कोने से यहां पधारे। इस श्रद्धांजलि समारोह में मैं सर्वप्रथम श्रद्धेय बाबूजी पंडित महावीर प्रसाद जी शर्मा को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मानव रूप में भगवान तुल्य पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हुआ, उनके उस और नैतिक ग्रुप की चेयरपर्सन आदरणीय नीरा राडिया जी बैठी हैं, उनका भी स्वागत करते हुए उनको भी प्रणाम करता हूं। क्योंकि